वेल्डिंग कराया था रामगढ़ में तो थोड़ा कालापन दिख रहा है, तो इसको भी थोड़ा रेडियम से ढक देंगे, रेडियम का रेडियम भी आ जाएगा और ये कालापन भी ढक जाएगा। दोस्तों अभी सब्जी मार्केट तो आ चुके हैं और ये देखिए ताजा सब्जी मिल रहा है यहाँ। दोस्तों देख सकते हैं जा रहे खिचड़ी बनाने के लिए, ये चावल दाल भी है और ये जितना मटर वगैरह गोभी सब है। मंदिर के पास तो आ गए और एक चीज हम यहाँ देख रहे हैं क्या, ये देखिए घाट तो बना हुआ है और पहले ही से पूरा बुकिंग हो गया है और गाड़ी में बहुत ज्यादा मच्छर हो गया यहाँ पर, इसलिए हम लोग ये हीट खरीद लिए थे मच्छर भगाने के लिए। दोस्तों कल का हम लोग का पूरा प्लानिंग हो चुका है, कल हम लोग जाएंगे जंगल सफारी घूमने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी तो हम लोग रायपुर में ही है, कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, माल का पोजीशन थोड़ा सा गड़बड़ है, ये तो आपको कई बार बता चुके हैं हम भी। हम लोग सुबह सुबह उठ करके कल क्या आ रहे हैं, कल शाम में गए थे उधर हीरापुर चौक तरफ, तो तिरंगा दुकान है वहाँ पे, गाड़ी का पार्ट सामान वहाँ रखता है, तो वहाँ से रेडियम मिलता है, ये ओरिजिनल वाला रेडियम। तो इसके यहाँ क्या है कि रेट हमको सही मिलता है, ये हमको 25 रुपये फुट यहाँ मिलता है। जब जीटी रोड में जाते हैं ना सिमगा तरफ तो वहाँ 40 रुपये 45 रुपये फुट बोलता है, जबकि वो ओरिजिनल रहता है। देखिए ओरिजिनल का पहचान ये है कि इसमें देखिए लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल का पहचान है, इसमें देखिए नहीं लिखा हुआ तो ये हमको डुप्लीकेट लगा हुआ है। यही चीज होता है कि आदमी अपना जहाँ जगह पर रहता है लोकल में ना, तो रेट भी सही मिलता है, सामान भी सही मिलता है। आप फिटनेस कराने जाइएगा तो इसी को मांगेगा, साइड में पीला होना चाहिए, पीछे लाल होना चाहिए और आगे में सफेद होना चाहिए। तो मेरा भी फिटनेस का लगभग टाइम आ ही रहा है, हमको कल ही सेठ से बात हुआ मेरा, जो आप लोग में देखेंगे सेठ जी आए हुए थे। तो ठीक है दोस्तों अपन लगाते हैं लाल वाला पीछे रेडियम, और ये क्या वेल्डिंग कराए थे हम, ये वेल्डिंग कराए थे रामगढ़ में तो थोड़ा कालापन दिख रहा है, तो इसको भी थोड़ा रेडियम से ढक देंगे, रेडियम का रेडियम भी आ जाएगा और ये कालापन भी ढक जाएगा। तो देख सकते हैं लाल पट्टी पीछे लगा रहे हैं, अभी क्या है कि कुहासा का टाइम आ गया है, तो ये जरूरी भी है, कहीं भी अगर गाड़ी खड़ा रखते हैं और कुहासा इतना रहता है कि दिखता नहीं है, तो पीछे वाला गाड़ी वाला को जो है कि लाइट पड़ेगा तो उसमें दिखाई देगा। ये अभी कुहासे के लेकर के ये सब बहुत जरूरी हो गया है, आप लोग देखते हैं कई जगह वीडियो में आता है, हम भी देखते हैं कि खड़ा गाड़ी है कोई पीछे से लाकर ठोक दिया ये कर दिया, तो ये क्या है कि रेडियम रहेगा तो चमकेगा पीछे से, तो लगा अगला को मतलब कि यहाँ भी लगा दिए पट्टी में भी, ये मेरा कालापन भी छिप गया और रेडियम का रेडियम भी काम आएगा। कोई पीछे कोई कहीं भी गाड़ी खड़ा रहेगा अगर तो पीछे उसको लाइट मारेगा तो उसको दिख जाएगा कि हाँ लाल रंग से जलेगा, समझ आएगा खतरा कोई गाड़ी खड़ा है, तो लगाते हैं इस साइड भी। दोस्तों रेडियम का काम हम लोग कंप्लीट हो गया है, देख सकते इधर पूरा लगा दिया, इधर साइड भी लाल और ये बीच वाला पिंक हो गया है, पुराना है इसलिए पिंक हो गया है। दोस्तों अभी तो गाड़ी का जो सब्जी वगैरह जो था सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए हम और शुभम अभी जा रहे सब्जी लाने के लिए। तो ये देखिए झोला ले लिए है और एक सब्सक्राइबर भाई हमारे आए हुए हैं, तो ये भैया कल भी बहुत हेल्प कर दिए थे पानी लाने में, तो आज भी हेल्प कर दिए, चले थैंक यू भैया। और अभी स्कूटी दे रहे हैं कि जाके सब्जी ले आइए, तो हम और शुभम अभी जा रहे हैं। दोस्तों अभी सब्जी मार्केट तो आ चुके हैं और ये देखिए ताजा सब्जी मिल रहा है यहाँ। टमाटर कैसे भैया? 40 रुपए किलो। और क्या लेना? मटर भी है दोस्तों, लेकिन मटर उतना ताजा नहीं दिख रहा है, मटर भी लेना है। और देख रहे हैं और क्या क्या सब्जी है यहाँ। दोस्तों अभी हम लोग सब्जी तो ले लिए, लेकिन आलू ताजा नहीं मिल पा रहा है, बोल रहे कि आलू अच्छा नहीं है यहाँ, एक जगह देखे है। तो वही दोस्तों बात कर रहे हैं कि आलू ऐसे भी गाड़ी में है आधा किलो, उससे हो जाएगा कि और लेना पड़ेगा, ऐसे दुकान तो और भी है, इधर है और उधर भी है। दोस्तों हम लोग सब्जी तो खरीद के ले आए और ये देखिए और सब कुछ कटिंग भी कर ली है, तो आज दोस्तों हम लोग खिचड़ी बनाने वाले है। आज शनिवार है और सब चीज मिलना चालू हो गया, मटर छिमी मिल गया, गाजर मिल गया, गोभी मिल गया, सब मिला करके आज फिर से पुराना तरीका से ही बनाने जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं जा रहे खिचड़ी बनाने के लिए, ये मेरा प्याज वगैरह भून रहा है और सारा चीज कट के रेडी है मेरा, ये चावल दाल भी है और ये जितना मटर वगैरह गोभी सब है, तो जा रहे अभी बनाने के लिए खिचड़ी। दोस्तों मेरा गोभी देखिए भून चुका है और प्याज वगैरह सब, और बाकी के मटेरियल भी इसमें डालते हैं, इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे। दोस्तों ये देखिए अच्छी तरह से भून चुका है मेरा, जितना वैरायटी था खिचड़ी का, अब इसमें जा रहे हैं मसाला डालने, मसाला डाल के ही भूनेंगे इसको, थोड़ा थोड़ा मसाला डालते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मेरा मसाला सब्जी सारा अच्छी तरह से भून चुका है, अब इसमें जा रहे हैं चावल और दाल, मेरा धो के रखा हुआ है, ये देखिए मेरा चावल दाल, चावल इसमें कम ही डालना पड़ता है, ये चावल तो ज़्यादा हो जाता है ना,
मतलब जितना सब्जी का आइटम है ना उसे कम ही डालना पड़ता है चावल, जैसे खीर में दूध का मात्रा ज़्यादा रहता है चावल का मात्रा कम रहता है, वैसे इसमें भी है। अब इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, इस भी थोड़ा देर भूजेंगे, उसके बाद इसको चढ़ाएंगे उसमें चावल वाला हंडी में, इसमें तो होगा नहीं। दोस्तों ये देखिए मेरा अच्छी तरह पूरा मिला लिए इसको, और ये भी कढ़ाई भी गर्म है भुजा रहा है, और तब तक इधर हम चावल पानी चढ़ा दिए चावल का। अब इसको क्या है कि इसी में क्रॉसिंग कर देंगे, पानी भी गर्म हो जाएगा जल्दी, ये डालने के बाद क्या है कि पानी गर्म होने में लेट होता है, तो उसके लिए हम पहले इसको गर्म कर ले रहे हैं फिर इसी में डाल देंगे, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा थोड़ा, उससे क्या है गैस का थोड़ा बचत हो जाएगा। तब तक ये भी गर्म है, इसको भी चलाते चलाते भून ले रहे हैं इसको भी, पानी भी गर्म हो गया अच्छी तरह से, अब ये चावल भी इसमें बन जाएगा पूरा। ऐसे तो मेरा गोभी आलू गाजर जितना था सब तो भूनने में ही सब पक चुका है अच्छी तरह से, चावल का खाली बाकी है वो भी हो जाएगा। दोस्तों मेरा खिचड़ी निकल चुका है, ये देखिए खिचड़ी है, और सामने सलाद भी काटे हैं, और थोड़ा गाड़ी में घी रखते हैं, तो ये घी का भी जो है खिचड़ी में तो खैर घी जाता ही जाता है, थोड़ा शुभम भी, मेरा घी खत्म हो गया, घी लेना पड़ेगा, ठंडा में थोड़ा घी खाते हैं, इसलिए गर्मी गर्म नहीं खाते हैं, ये ठंडा में थोड़ा खाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मेरा प्लेट जो है थाली में इसमें रखे हैं, ये खिचड़ी का ढक्कन है, अभी दूसरा प्लेट रहता तो उसमें रखते इस सलाद को, लेकिन प्लेट का कमी पड़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं धीरे धीरे लेंगे। सामान जो रखने का भी हमको दिक्कत होता है ना, सामान लेने का तो ले लेगा कुछ भी चीज, लेकिन उसको रखने में दिक्कत होता है गाड़ी में, तो देखिए आप चलते हैं खिचड़ी खाने के लिए। दोस्तों अभी शाम के 4 बज रहे और हम खाना खाने के बाद रेस्ट कर रहे थे थोड़ा देर, उसी बीच में बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई लोग मिलने आए थे, और वो लोग बताए थे यहाँ एक जंगल सफारी करके जगह है, वहाँ बहुत सारा एनिमल है ओपन में रहता है पूरा, तो हम लोग कभी ऐसा देखे नहीं है, बाहर चिड़िया घर गए तो बंद रहता है पिंजरा में, तो वही देखे, तो सोच रहे कि आज तो हो नहीं पाएगा, आज तो इतना शाम हो गया और 5 बजे बंद हो जाता है, तो अब सोच रहे कल जाएंगे, कल यहाँ से 10-11 बजे हम लोग को निकलना पड़ेगा। दोस्तों वो लोग बताए कि आप लोग अभी तक देखे कि जानवर पिंजड़े में रहता है, इस बार आपको पिंजड़े में रख के जानवर को खुले देखना है ऐसा करके, तो इसको अच्छा लगा तो बोला कि हाँ जाएंगे घूमने को, तो वो लोग तो ऐसे आज ही का बोल रहे थे, लेकिन यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, तो आज निकलते भी और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, तो वापस आ ही नहीं पाते यार, अच्छे से घूम भी नहीं पाते, इसलिए वो लोग बोले अगर कल चलिएगा तो बताइएगा ऐसा करके तो हम लोग जाएंगे, तो अच्छा लगा। अगर कल हमारा गाड़ी लोड नहीं होता है, माल कहीं का नहीं मिलता है लोकल का भी, जैसे कि सेठ जी अपने बता रहे थे, अगर लोकल का भी नहीं मिलेगा तो हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। दोस्तों अभी 5 बज चुके हैं और हम और सुबह अभी थोड़ा बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, वहाँ पर खड़े होकर भी ऐसे भी बोर ही हो रहे थे, तो ये देखिए बाजार के साइड अभी जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि छठ घाट है, तो वही घूमने के लिए जा रहे हैं छठ घाट में, थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या तैयारी होगा, अब पता नहीं हम लोग वहाँ पर कल रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, तो इसलिए अभी जाके पहले ही देख लेते हैं और आप लोग को भी दिखा देते हैं वहाँ पर अभी तक क्या तैयारी हुआ है। ऐसे तो जितने सब्सक्राइबर भाई आए वो बता रहे थे कि बहुत अच्छे से वहाँ पर मनाया जाता है, बहुत भीड़ हो जाता है, इसलिए हम जा रहे हैं देखने के लिए। दोस्तों अभी हम लोग मंदिर के पास तो आ गए और एक चीज हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि देखिए घाट तो बना हुआ है और पहले ही से पूरा बुकिंग हो गया है, वहां से लेके यहाँ तक सभी लोग अपना नाम लिख के रख दिए कि यहाँ पे दूसरा कोई आ नहीं सकता, और ये भैया हमारे सब्सक्राइबर ये अभी मिले तो ये बोल रहे कि हम भी बुक करके रखे ऐसा करके ना। हाँ। बहुत भीड़ हो जाता है यहाँ, बहुत भीड़ हो जाता है, बहुत ज्यादा ही भीड़ हो जाता है यहाँ, तो वही बता रहे देखिए पूरा एकदम ऐसे करके बना हुआ है, तो सारा इधर से लेके उधर बस थोड़ा दिख रहा है कि नहीं अभी ऐसा करा गया है, लेकिन इधर तो पूरा है, और ये देखिए पहले भी सारा ये बना के रखे हैं। दोस्तों आपको याद होगा हम लोग इस वाले तालाब में पहले भी नहाने के लिए आते थे, हमारा गाड़ी वहाँ साइड में रोड पे खड़ा होता था जो हम लोग 14 चक्का चलाते थे, तब यहाँ पे कई बार आए नहाने के लिए, और ये मंदिर भी आपको हम पहले भी दिखा चुके हैं, अभी देखिए कितना सुंदर लग रहा है, दीपावली को लेकर सजाया गया पूरा और छठ को भी लेकर, तो अभी लाइटिंग वगैरह सब कुछ चालू हो गया तो अभी और अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस गाड़ी के लिए जा रहे हैं, तो देख तो लिए बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है पूरा, मतलब देख लेंगे छठ पूजा होते हुए, घर पे तो नहीं रुक पाए लेकिन यहाँ देख लेंगे, चलिए कोई बात नहीं, एक दिन अगर एक्स्ट्रा रुक ही जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा करके, ऐसे भी सेठ जी को तो माल मिला नहीं जो बोल रहे थे लोकल का, वो माल मिला ही नहीं है, मतलब बहुत लोग ये त्यौहार मनाते हैं ना, तो इसी को लेकर सभी लोग अपने अपने घर चले गए हैं, तो यही नहीं हो पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं कल त्यौहार मना के हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग गाड़ी में आ चुके हैं, लेकिन पापा भी नहीं है, गए सेठ जी से मिलने के लिए कुछ हिसाब वगैरह करने के लिए, तो वही गए है, तो अभी टाइम लगेगा पापा को आने में, और गाड़ी में बहुत ज्यादा मच्छर हो गया यहाँ पर, तो इसीलिए हम लोग ये हीट खरीद लिए थे मच्छर भगाने के लिए।
तो अभी पापा को आने में टाइम लग सकता है, 10 बज सकता है, तो हम और सागर भी अभी इंतजार करते हैं पापा का। दोस्तों अभी रात के 10:30 बज चुका है और हम आगे गाड़ी में, तो हम तो गए हुए थे बाबा सेठ जी के पास अपना, वहीं बैठे हुए थे अपना लोडिंग वोडिंग का बातचीत चल रहा था सब। काफी देर बैठने के बाद फिर अपना पुराना सेठ जी थे वो भी आ गए, उनसे भी बातचीत होने लगा। तो कल संडे है और कल संडे है तो सेठ जी हमारे बोले कल तो संडे है और कल दो दो चीज है, कल इंडिया का मैच भी है फाइनल और अपना छठ पूजा भी है, पहला अर्घ शाम वाला। तो हम लोग कल दिन में जो है कि फिर हम लोग सेठ से बातचीत होने के बाद हम लोग प्रोग्राम बन गया क्या कि सुबह हम लोग को जाना है यहाँ पर न्यू रायपुर के पास में, वहाँ पर जंगल सफारी बोल के घूमने वाला जगह। सेठ जी बोले कल चलो संडे आ, तुम लोग के साथ ही बिताना है। तो हम लोग कल जा रहे हैं, हम लोग पुराना सेठ जो पहले वाला थे वो सेठ जी के साथ में, तो हम लोग कल जाने वाले यहाँ से। करीब हम लोग का टिकट हुआ है 12:30 बजे का, ऑनलाइन टिकट करना पड़ता है तो वो ले लिया टिकट हम लोग। 12:30 बजे का हम लोग का वहाँ का इनका है, तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे करीब 10:30-11 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ से। यहाँ ज्यादा दूर तो है नहीं, 25-30 किलोमीटर है यहाँ से, और वहां से करीब 2:30-3 बजे तक आ ही जाएंगे वापस हम लोग। तो आने के बाद अपना जो कल छठ का जो पहला अर्घ है, तो आप लोग इस ब्लॉग में देखी है कि जो छठ का जो घाट दिखाया गया है या नामी छठ घाट, उसको छठ घाट नाम ही है उसका हीरापुर का, तो आपको कल का नजारा भी वहां का दिखाएंगे कि हमारे यहाँ छठ पूजा कैसे मनाया जाता है वो भी आपको दिखाएंगे। वापस आएंगे तो वो सब हम अपना रिकॉर्ड करके आप लोग दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है, तो आज हमारा छठ का पहला अर्घ है, आज संडे है, आज पहला अर्घ है। तो सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं छठ पूजा की। तो आज हमारा पहला अर्घ होगा वहाँ, फिर सुबह जो है सूरज उगने से पहले वो होगा, अभी सूरज डूबते हुए होगा और फिर सूरज उगते हुए कल सुबह होगा, आपको सब नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और आज हम लोग का त्यौहार भी है तो हम लोग भी जा रहे थोड़ा नहाने धोने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी नहाने के साधन है यहाँ पे, तो नहा धोने तैयार होते हैं। तो ठीक दोस्तों, हम लोग कहीं जाना भी आज है, तो आज मतलब दो दो चीज है, छठ पूजा भी है और मैच भी है, वो भी करना है। तो ठीक दोस्तों, आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखने को मिलेगा, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।